क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपको भी IPL का ऑक्शन देखना पसंद है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे चेन्नई में शुरू हो गया है IPL 2021 के लिए महा ऑक्शन, जिसमें सभी खिलाड़ी आ गए थे अपनी अपनी तूफानी फॉर्म में, जहां सभी खिलाड़ियों के ऊपर काफी ज्यादा तगड़ी बोली लगी थी। ऐसे में कुछ फॉरेन के ओवरसीज खिलाड़ी हैं तो कुछ भारतीय भी खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर तगड़ी बोली लगाई गई सभी टीमों की तरफ से। आइए एक एक कर हम सभी खिलाड़ी बता दें जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बोली लगाई गई। दोस्तों, आपको सबसे शॉकिंग खबर देते हैं, इस साल की सबसे महंगे खिलाड़ी इस साल रहे हैं क्रिस मॉरिस, जिनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है 16,25,00,000 रुपए में। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस मॉरिस। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स ने काफी बड़ी बोली लगाई क्रिस मॉरिस के ऊपर। दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं हमारे और कोई नहीं, ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 14,25,00,000 रुपए में खरीदा। ऐसे में डिविलियर्स विराट कोहली और मैक्सवेल काफी बेहतरीन इनका बैटिंग लाइनअप हो चुका है। उनके बाद अगर हम दूसरे तगड़े खिलाड़ी की बात करें तो वो है जाइल रिचर्डसन, जिनको पंजाब किंग्स ने 14,00,00,000 रुपए में खरीदा। उनके बाद उसके बड़े तगड़े खिलाड़ी की बात करें तो वो है काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के, इनको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 15,00,00,000 रुपए में खरीदा, जो एक अपने आप में ही काफी तगड़ी बड़ी बोली है। उनके बाद आते हैं फॉरन के ओवरसीज खिलाड़ी मोइन अली, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 7,00,00,000 रुपए में खरीदा। उनके बाद आते हैं भारत के शिवम दुबे, जिनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा 4,40,00,000 रुपए में। उसके बाद प्लेयर आते हैं हमारे शाकिब अल हसन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा 3,20,00,000 रुपए में। उनके बाद स्टीव स्मिथ आते हैं, स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा मात्र 2,20,00,000 रुपए में, जो एक काफी शॉकिंग भीड़ थी। उनके बाद डेविड मलान आए बोली लगने के लिए, डेविड मलान को पंजाब किंग्स ने खरीदा सिर्फ 1,50,00,000 रुपए में, ये भी बहुत सस्ती बोली लगी थी। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें अगले खिलाड़ी हमारे आ रहे हैं शाहरुख खान, इनको पंजाब किंग्स ने 5,25,00,000 रुपए में खरीदा। उनके बाद अगले खिलाड़ी आ रहे हैं हमारे कृष्णप्पा गौतम के ऊपर काफी तगड़ी बोली लगी, उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा 9,25,00,000 रुपए में, जो कि एक काफी ज्यादा तगड़ी बोली है। उनके बाद आते हैं रिली मैड्रिड, इनको पंजाब किंग्स ने खरीदा 8,00,00,000 रुपए में, काफी बेहतरीन बोली लगी इनके ऊपर भी। ऐसे में दूसरे खिलाड़ी आ रहे हैं हमारे टॉम करन, सैम करन के भाई टॉम करन, इनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा 5,25,00,000 रुपए की कीमत देकर। ऐसे में और भी कई सारे अनकैप्ड और कैप्ड खिलाड़ी हैं जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको ये प्लेयर्स कैसे लगे हमें कॉमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं और अगली वीडियो का जल्दी से इंतजार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, कल शुरू होने वाला है IPL का ऑक्शन, यानी 18 फरवरी को। आइए आप सभी को बताते हैं IPL की पूरी डिटेल और किन टीमों के पास कितना पैसा है और वो कितने खिलाड़ियों को खरीद कर लेकर जाएंगे कल के ऑक्शन में। सबसे पहले आप सभी को बताते हैं चेन्नई में ये ऑक्शन हो रहा है, जो कि 18 फरवरी को होगा और दोपहर में ऑक्शन शुरू होगा। आइए आप सभी टीमों के बताते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा तगड़ा पैसा है बड़े खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। सबसे पहले सनराइजराबाद से बात करते हैं, सनराइजराबाद के पास इस ऑक्शन के लिए मात्र 10,00,00,000 है, उन्हें ज्यादा प्लेयर से चाहिए भी नहीं, अवेलेबल स्लॉट उनके पास 3 है जिसमें से एक ओवरसीज खिलाड़ी वो खरीद सकते हैं। दूसरी टीम पर चलते हैं, दूसरी टीम है राजस्थान रॉयल्स के पास 37,00,00,000 रुपए हैं पर्स में, जिसमें से उनको 9 स्लॉट्स अवेलेबल हैं और उसमें से वो सिर्फ 3 ही खिलाड़ी ओवरसीज के खरीद सकते हैं, बाकी के उनको भारत के खिलाड़ी खरीदना होगा। ऐसे में उनकी बाद अगली टीम आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास भी सिर्फ 10,75,00,000 रुपए हैं, जिनमें उनके पास स्लॉट सिर्फ 8 खिलाड़ियों का अवेलेबल है, जिसमें से वो 2 खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं ओवरसीज के, बाकी 6 भारत के खिलाड़ी होने चाहिए। उनके बाद अगली टीम आती है सबसे बड़ी टीम जिसके पास सबसे ज्यादा तगड़ा पैसा है इस ऑक्शन के लिए, वो है किंग्स 11 पंजाब। 53,00,00,000 रुपए हैं किंग्स 11 पंजाब के पास इस साल के ऑक्शन के लिए, जिसमें से उनके पास 9 खिलाड़ियों का स्लॉट अवेलेबल है, जिसमें से वो 5 खिलाड़ी ओवरसीज के खरीद सकते हैं। आइए अगली टीम के ऊपर बढ़ते हैं, अगली टीम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली की कैपिटल्स के पास 13,00,00,000 रुपए हैं, जिसमें से 8 खिलाड़ियों का स्लॉट उनके पास अवेलेबल है, जिसमें से वो 3 ही खिलाड़ी ओवरसीज के खरीद सकते हैं, बाकी के इंडियन खिलाड़ियों को खरीदना होगा। अगली टीम आ रही है मुंबई इंडियंस के पास 15,00,00,000 रुपए अवेलेबल हैं, जिसमें से उनके पास 7 खिलाड़ी वो खरीद सकते हैं, जिसमें से 4 खिलाड़ी
ओवरसीज के होने चाहिए। आइए अब अगली लिस्ट पर बढ़ते हैं। अगली टीम आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास 35 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से उन्हें 11 खिलाड़ी खरीदने हैं और 11 में से 3 खिलाड़ी ओवरसीज के होने चाहिए। अगली टीम आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के पास 19 करोड़ रुपए अवेलेबल हैं, जैसे में उनके पास 6 खिलाड़ियों को खरीदना है, जिसमें से वो सिर्फ एक खिलाड़ी ओवरसीज का खरीद सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, ये खिलाड़ियों के पास काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बोली लगने वाली है, क्योंकि सभी टीमों के पास काफ़ी ज़्यादा तगड़ा पैसा है और कल का ऑक्शन सबसे ज़्यादा रोमांचक और तूफानी होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन से खिलाड़ी कौन से टीम में जाना चाहिए, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और ऐसी क्रिएट करें।